आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। 7 दिन बीतने को हैं लेकिन सुलह का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान खेत खलिहानों को छोड़कर दिल्ली के दरवाजे पर जमे हुए हैं। उनके आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक सिंघू और टिकरी बॉर्डर सुर्खियों में था लेकिन आज दिल्ली नोएडा लिंक रोड आंदोलन के नए केंद्र के रूप में सामने आया है। कौन से बॉर्डर बंद है ये देखा जा सकता है। सिंघू बॉर्डर बंद है, गाजीपुर, चीला, दिल्ली नोएडा लिंक रोड, झटिकरा, टिकरी और झरौंदा, ये तमाम बॉर्डर जो दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं ये सभी बंद हैं। दिल्ली नोएडा के इन रास्तों पर कल तक गाड़ियों का रेला लगा था लेकिन आज तस्वीर बदली बदली है। दिल्ली से नोएडा का एंट्री पॉइंट किसानों के आंदोलन का ठिकाना बन गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ऐसी तस्वीर पहले कब देखी थी ये शायद ही किसी को याद हो, लेकिन आज की इस तस्वीर को देख लीजिए। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का खाना पक रहा है। चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा से राजधानी को जोड़ता है वो इस समय बंद कर दिया गया है। काफी भारी तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे। खाने की तैयारी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जोर शोर से चल रही है। क्या बना रहे हैं आप? आलू पूरी। और कितने लोगों का खाना बन? 800 का। ये राशन कितने महीने का लेके आए हैं? जोली ये तो खत्म होता रहेगा, दूसरा आता रहेगा, चलता रहेगा तो बाजार मार्केट खरीदना है। जब खेत से उठकर किसान सड़कों पर उतर आए तो आम शहरी कहाँ जाए, तो दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जा रहा आम शहरी इन रास्तों पर यू टर्न ले रहा है। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से इन रास्तों से काम पर जाने वालों को सुबह से परेशानी उठानी पड़ी, उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से नोएडा आना जाना मुश्किल हो गया। अक्षरधाम से नोएडा जाने वाला लिंक रोड और मयूर विहार फेज 3 के पास का चिल्ला बॉर्डर बंद हो चुका है। अब दिल्ली नोएडा आने जाने के लिए DND और NH24 का ही विकल्प बचा है। देखिए इस समय अगर आपको नोएडा से दिल्ली जाना है या दिल्ली से नोएडा आना है तो सबसे सेफ तरीका आपके लिए है कि आप DND पे आ जाए, क्योंकि मैं चिल्ला बॉर्डर पे खड़ी हूँ। उस तरफ दिल्ली पुलिस ने एक छोर से दूसरे छोर पे बैरिकेडिंग लगा दी है। यहाँ से आपको ना तो प्रवेश मिलेगा और ना ही आप दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो अगर आप गलती से भी यहाँ पे आ गए तो आपको यू टर्न लेके DND का ही रुख मोड़ना पड़ेगा। किसानों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के जंतर मंतर जाने के लिए आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा के किसान ट्रैक्टरों से कल शाम ही यहाँ पहुँच गए थे। जब उन्हें आगे जाने से रोका गया तो जमकर नारेबाजी करते रास्ते पर ही जम गए। किसान विरोधी काला अध्यादेश केंद्र में बैठी सरकार ने पास कर दिया, बनाए किसानों को बताए और उसको लागू भी कर दिया, उसको बदलाने के लिए, उसको वापस कराने के लिए प्रशासन की बात और छीन कर दिया तो हम तो रोड पर बैठ जाएंगे, पर जब लो ना जावे, जब लो सरकार ना मान लेगी हमारी बात। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का एक और केंद्र है, वो है गाजीपुर बॉर्डर। सड़क और ट्रैक्टर पर तंबू गाड़े बैठे किसान मजबूती से यहां डटे हैं। इनमें से ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन के हैं। तस्वीरें देखिए, किसान नेता हाईवे पर हवन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है लेकिन उसमें कई सारे पहलू ऐसे भी है जो किसान नायाब तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त एक हवन चल रहा है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में, जहाँ पर किसान सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग आहुति डाल रहे हैं, इसका क्या मतलब? ये मोदी जी की बुद्धि शुद्धि हो जाए इसके लिए आहुति दे रहे हैं। वायु की शुद्धि हो और जो हमारी प्रशासन है उसे भी भगवान सद्बुद्धि दे, किसान परेशान ना हो, किसान को भी सद्बुद्धि दे। किसानों के रुख से साफ है कि वो बहुत जल्द पीछे नहीं हटने वाले। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।